Today, I am going to deliver the lecture about the famous drama of CBSE class 10th standard, The Dear Departed. The Dear Departed. To get the quick and fast summary of any lesson, please subscribe this channel and press the bell icon. Kripya turant CBSE 10th CBSE class ke English ka koi bhi notes ya lesson ka summary and question answer paane ke liye please आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आवाज चलिए द डियर डिपार्टेड, जैसा कि नाम से ही है, ये नाम से ही जाहिर है द डियर डिपार्टेड। डियर डिपार्टेड जब कोई किसी का प्रियजन किसी से जुदा होता है, क्या होता है जब किसी का कोई अपना किसी से जुदा होता है, द डियर डिपार्टेड। एंड दिस ड्रामा इज रिटन बाय स्टेनली हॉकटन। यह ड्रामा स्टेनली हॉकटन द्वारा लिखित है। इनका जन्म 1881 में, ही वॉज बोर्न इन 1881 एंड डाइड इन 1930। ही वॉज द ग्रेट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। In this drama, these are the characters. Abel Meriwether, who is the old person, near about 65 to 67 years old. Mrs. Slater and Mrs. Jordan, both are the daughters of Abel Meriwether. Henry Slater and Ben Jordan, these both are the son-in-law of Abel Meriwether. Henry Slater or Ben Jordan, एबल मैरीवेदर के ये दामाद होते हैं, सन इन लॉ होते हैं। मिसेस जॉन स्ट्रॉक्स के एंट्री ड्रामे की लास्ट में होती है, जब मिस्टर एबल मैरीवेदर लास्ट में तंग आकर इन लोगों से परेशान होकर, इन लोगों के कष्ट और क्लेश से परेशान होकर जॉन स्ट्रॉक्स से शादी करने का डिसीजन लेते हैं। विक्टोरिया, विक्टोरिया जो 12 साल की एक छोटी बच्ची है, जो एक आखिरी कैरेक्टर है, ये मिसेस स्लेटर की लड़की होती है। अब हम आते हैं ड्रामे पे। दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस ड्रामा द डियर डिपार्टेड। द डियर डिपार्टेड ड्रामा इज एन आयरनी, इज एन द टाइटल ऑफ दिस ड्रामा द डियर डिपार्टेड इज ए आयरनी, is an irony. We can say it is irony because the author has given the title of the drama The Dear Departed. लेखक ने इस ड्रामे का नाम तो डियर डिपार्टेड दे दिया है, जब कोई किसी का प्रियजन किसी से जुदा होता है, लेकिन पूरे ड्रामे पढ़ने के बाद हमें इस बात का कहीं जिक्र नहीं मिलता है कि परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा हो जो एबल मैरीवेदर को प्रेम करता हो, ऐसा कहीं जिक्र नहीं मिलता है। There is no description about any characters in this drama who loved Abel Meriwether. So we can say that this drama is an irony. Abel Meriwether is just like a gardener. The role of Abel Meriwether in this drama is just like a gardener. Abel Meriwether jo character hai bujurg vyakti ka, bilkul us mali ki tarah hai, जो माली, जिस बागवान भी बोलते हैं हम हिंदी में, बागवान मिस होता है माली, एक बाग का जो माली होता है, बड़ी उम्मीद के साथ किसी पौधे को लगाते, किसी पौधा को लगाता है, एक बीज का रोपण करता है, कि इस उम्मीद से कि जब मैं जिंदगी के सफ़र से जब मैं ज़िंदगी के सफ़र से थक जाऊँगा इसी संतान रूपी पेड़ की छाया में मैं बाकी का जिंदगी बसर करूंगा, यानी बाकी का जिंदगी का मैं गुजारा करूंगा।
इन द सेम वे एबल मैरीवेदर की भी दो संतानें होती हैं, स्लेटर एंड जॉर्डन। जब ये बड़ी हो जाती हैं तो इनकी शादी ब्याह कर देता है एबल मैरीवेदर, और इस उम्मीद में इनके साथ ये रहना शुरू करता है कि मेरी बाकी की जिंदगी का गुजर बसर भी इन लोगों के साथ हो जाएगा। बट नाउ वे डेज एज वी आर सीइंग इन आवर एज वी आर फेसिंग इन आवर सोसाइटी एज वी आर लुकिंग एज रिफाइनिंग योर सोसाइटी दिस थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस व्हिच द ऑथर स्टैनली हॉकटन हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू डिस्क्राइब इन दिस ड्रामा। स्टैनली हॉकटन ने अपनी पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हमारे समाज में हमारे आसपास घट रही घटनाओं का एक ड्रामा के जरिए जिक्र करने की कोशिश किया है, पूरी तरह से चित्रित किया है। जब वो व्यक्ति, वही व्यक्ति जो उस बाप को लगाता है, वही व्यक्ति जो उस बच्चे को पैदा करता है, वही व्यक्ति जो औलाद को पैदा करता है, जिस तरह से एक मालिक पौधे को लगाता है, पानी सींच कर देखभाल करके उस पेड़ पौधे को बड़ा करता है, पेड़ बन जाता है, जब अगर वही पौधा उसको छोड़ दे तो उस मालिक का क्या हाल होगा। यही हाल एबल मैरीवेदर के साथ होता है। इनके दो संतानें मिसेस स्लेटर एंड मिसेस जॉर्डन, दोनों को एबल मैरीवेदर की सिर्फ संपत्ति से प्यार होता है। ओके, वन डे इनकी कष्ट और क्लेश से तंग आकर एबल मैरीवेदर एक दिन बाहर जाते हैं सुबह में, और जब वापस आते हैं तो ही हैड ड्रंक अल्कोहल एट दैट टाइम इन द इवनिंग, और नशे में आकर वो सो जाता है। काफी नशे में होने की वजह से उसे अपनी चेतना नहीं रहती है। मिसेस स्लेटर एज हर फॉर्मलिटी से वेंट इनटू द रूम ऑफ एबल मैरीवेदर एंड आस्क्ड अबाउट द डिनर फॉर द डिनर ड्यू टू एंड नो एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज साइड। एबल मैरीवेदर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिले कारण से थॉट दैट परहैप्स ग्रैंडपा दैट मींस फादर हैड गॉन, वो शायद चल बसे। ओके, और ये खबर, इट इज अ डिस्क्रिप्शन इन द फर्स्ट सीन, ड्रामे के फर्स्ट सीन में इसी का डिस्क्रिप्शन किया गया। सी वाज इन द फर्स्ट सीन सी इज वॉन्डरिंग इन द बरामदा, वो हॉल में इधर उधर फटक रही होती है, टेबल लगा होता है। इन द मेन टाइम हर डॉटर विक्टोरिया, तभी उसकी लड़की विक्टोरिया की एंट्री होती है। सी इज इन द कलरफुल ड्रेस, वो कलरफुल ड्रेस में होती है। सी साइड हर डॉटर, वो अपनी लड़की को डांटती है। The dead body of grandpa is in his room and you have put on such type of clothes, what will people say when they will find you such type of clothes? तुम इस तरह के ड्रेस में इस तरह यहाँ आई हो, जब लोग तुम्हें ऐसे ड्रेस में देखेंगे, तेरे दादाजी की डेड बॉडी ऊपर पड़ी हुई है और तुम ऐसे आ रही हो, तो लोग क्या कहेंगे, what will people say? Go and change your clothes, जाओ और अपने कपड़े को बदल लो। और अपनी माँ की बात मानकर विक्टोरिया जाती है और कपड़े को चेंज करती है। इन द मेन टाइम द डोर वॉज नॉक्ड एट, उसी समय दरवाजा मेन गेट नॉक होता है, खटखटाया जाता है। व्हेन शी ओपन्ड द गेट, जब वो गेट को खोलती है, शी फाउंड हर हस्बैंड दैट मींस मिस्टर स्लाइटर वॉज एट इन फ्रंट ऑफ एट द गेट। हियर द ऑथर डिस्क्राइब द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ मिस्टर स्लाइटर, ही वॉज स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूज पर्सनैलिटी ही मैम। यहाँ ऑथर ने बताया कि उनकी पर्सनैलिटी काफी लंबी चौड़ी थी, वालस मुस्टैच, बड़ी बड़ी मूछे थी। But here he is telling that he was being his body fit he-man, he was a henpecked husband. वो बोला है कि वो henpecked husband होता है, इस वजह से बोला है author ने कि सब कुछ होने के बावजूद भी वही करता है जो उसकी बीवी कहती है, उसे जोड़ू का गुलाम बताया है author ने उसको। यहाँ उस पर व्यंग किया है, लेखक ने उस पर ताना मारा है, व्यंग किया है, आयरन। ओके, He's telling that she told her husband, I had been looking for the bureau, father's bureau. मुझे फादर की जो ब्यूरो है, मैं बहुत दिन से वेट में थी कि मैं जो ब्यूरो, मैं उस ब्यूरो को लाइक करती हूँ, आई वॉन्ट दैट ब्यूरो, सो आई हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग डाउन स्टेयर्स दैट ब्यूरो।
तब उसका हस्बैंड बोलता है कि आप तुम उसके बीरो को लेना चाहती हो, अगर इस बीच तेरी सिस्टर बेन जॉर्डन अगर आ गई, अगर उसने लाते हुए देख लिया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तब मिसेस जॉर्डन मिसेस स्लेटर बोलती है, जब ये पिताजी जब से इसको पिताजी ने खरीदा है उसके बाद से बेन जॉर्डन यहाँ कभी नहीं आई है। तब उस इस बात को तो उसे जानकारी ही नहीं है कि कोई बिगरू भी पिताजी के कमरे में है। और ये डिसीजन लेकर ये लोग बिगरू को ऊपर से नीचे लाने लगते हैं। एंड मिसेस स्लेटर हैड टोल्ड हर डॉटर नॉट टू ओपन द गेट अंटिल सिविल ऑर्डर, बोलती कि जब तक मैं आदेश न दूं कोई भी दरवाजा नॉक कर तुम्हें उसको खोलना नहीं है। व्हेन दे आर बैंगिंग द बीरो द मेन टाइम द डोर वाज नॉक्ड एट, परहैप्स मिसेस जॉर्डन एंड मिस्टर जॉर्डन वेयर नॉकिंग एट द गेट। लेकिन मिसेस स्लेटर तो बोली होती है अपनी लड़की को कि तुम्हें गेट को नहीं खोलना, ओपन नहीं करना है। व्हेन द फिनिश द गेट शी टोल्ड हर हस्बैंड टू चेंज योर क्लॉथ्स एंड tried our best to show that we are in grief and sorrow, we are very sorry. अपने हस्बैंड से बोलते ये दिखाने की कोशिश करो कि हम बहुत दुखी हैं पिताजी के खो जाने से, हम बहुत दुखी और उदास हैं, हम बहुत नुकसान महसूस कर रहे हैं उनके चले जाने से। ओके, मिस्टर स्लेटर डिड द सेम थिंग, मिस्टर स्लेटर भी वही करता है। As his wife has told him, he changes clothes. वो अपने कपड़े को बदल लेता है। He changes clothes and they open the gate. After opening the gate, the Jordans entered into the hall. ये लोग हॉल में आते हैं। They were discuss what's the reason that the father had died. They were discussing about the matter. The matter was described that they also asked about the doctor. Have you visited the doctor? The slightest described that we had visited Dr. Pringle's house. But unfortunately, Dr. Pringle was not at his home. हम लोगों ने डॉक्टर प्रिंगल के घर भी गए, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर प्रिंगल उस वक्त बाहर गए हुए थे, जिस वजह से हम पिताजी का उचित इलाज कर पाने में असमर्थ थे और हम उनको बचा नहीं पाए। ये डिस्क्रिप्शन होती है। ओके, आफ्टर सम टाइम दे डिस उसके बाद इन लोग की चर्चा जारी रहती है। उसके बाद चर्चा चलती है कि पिताजी ने इंश्योरेंस का पैसा जमा किया है कि नहीं किया है। देन मिसेस स्लेटर आक्स हिज डॉटर टोल्ड हिज डॉटर गो एंड ब्रिंग द रिसिप्ट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम द ड्रॉवर ऑफ फादर्स, बोलते कि जाओ उनके ड्रॉवर से उस रिसिप्ट को लेकर आओ। तब वो छोटी बच्ची 12 साल का जो विक्टोरिया है उस रूम में जाती है उसको लाने के लिए। But when she went there, जब वो वहाँ जाती है, she found that old man Abel Meriwether, वो पाती है कि Abel Meriwether अपने कमरे में टहल रहे होते हैं। टहल क्या रहे होते हैं, वो अपने स्लीपर को ढूंढ रहे होते हैं, जो मिस्टर स्लेटर उस स्लीपर को लाकर अपने हस्बैंड मिस्टर स्लेटर को दे दी होती है। उन्हें स्लीपर जो होती है, चप्पल जो होता है, दो दिन पहले खरीदी गई होती है, और उसी स्लीपर को बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति वो ढूंढ रहा होता है। विक्टोरिया शाह that grandpa was wandering in the hall. She started to cry and she ran backward. वो पीछे दौड़ के भाग आती है चिल्लाते हुए, grandpa has come to life. Mrs. Slater saw it, her daughter dead never walk. मरे हुए कभी टहलते नहीं है, मेरे मुर्दे कभी टहलते नहीं है। She did not believe about her daughter. So she went herself and finally she saw the same thing. वो भी वही देखती है। She started to cry and ran backward to her sister. And Abel Meriwether was coming toward downward the stairs. Abel Meriwether नीचे आना शुरू कर देते हैं। All were in the hall. Every members of the family were in the hall. Here the author described that at that time Abel Meriwether was not able to understand what is happening in his house. इस समय एक घटना को लेखक ने इस बात का इससे जिक्र करने की कोशिश किया कि उस समय जो चीज घट रही थी घर में उसको Abel Meriwether नहीं समझ पा रहा कि ये लोग इस वक्त अचानक ये लोग ऐसे ऐसे ड्रेस पहन के इकट्ठा क्यों हुए हैं।
तो जब वो आते हैं तो पूछते हैं कि भाई आप लोग यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो। घोस्ट घोस्ट वो लोग चिल्लाते हैं, भूत भूत, हु घोस्ट, हु आर द घोस्ट। वो लोग पूछता है तो ये अबल मेरीवेदर बोलता है घोस्ट वेल भूत है कौन। तब विक्टोरिया बोलती, विक्टोरिया टोल्ड यू आर द घोस्ट, यू आर डैड, आपको ये लोग भूत बोल रहा है, आप मर गए थे, आप मर गए थे। और इस बीच वो लोग एबल मेरीवेदर के आने से पहले लोग चाय का भी प्लानिंग किया होता है। टी वाज प्रिपेयर्ड ऑन द टेबल, टेबल पर चाय तैयार रहती है, चाय लेने ही वाले होते तब तक एबल मेरीवेदर ऊपर से नीचे आ जाता है। एबल मेरीवेदर टोल्ड दैट आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, और चाय लेने लगते हैं। ओके तो पूछते हैं कि तुम लोग इस तरह के वस्त्र क्यों लिए हो। तो बोले शोक सभा में जाने के लिए। तो बोले किसकी शोक सभा। तो मिसेस स्लेटर बोलती है, बात को बदलने की कोशिश करती है कि इनका फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में जो रहता है उसकी शोक सभा है, उसी में ये लोग जाने के लिए तैयारी में है। ठीक है, तब विक्टोरिया बोलता है नहीं दादाजी, ये आपके मरने के शोक सभा में ये लोग आए हुए थे। तब मिसेस एबल मैरी मिस्टर एबल मैरीवेदर की बात को समझने में कभी कहीं देरी नहीं होती है कि इन लोग मेरी मरने की के दुख में ये नहीं, बल्कि मेरी संपत्ति से इन लोगों को प्यार है जिसको बंटवारे के लिए वो आया हुआ है। तो मिसेस मिस्टर एबल मैरीवेदर पूछते हैं कि घर में चल क्या रहा होता है। तो मिसेस जॉर्डन इस बात को बताती कि चल क्या रहा है, बस छोटी मोटी चोरी चल रही थी जो मिसेस स्लेटर हमारी बड़ी बहन जो है कर रही थी, आपके ब्यूरो को उठाकर नीचे लेकर आई है। ये उससे पहले ये एबल मैरीवेदर पूछता है कि मेरे ब्यूरो को यहाँ लाया कौन। तो वही जॉर्डन बताती है कि ये लेकर आई होगी, जब मैं थी मैं अभी आई हूँ, ये लोग उस वक्त से थे, यही लोग लाया होगा। इस घटना से एबल मैरीवेदर भाई दुखी, बहुत दुखी होते हैं। तब वो घटना का जिक्र करते हैं, देखो हुआ क्या, व्हाट हैपन, लिसन मी केयरफुली। टू स्टडी आई डिड थ्री थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट टू माय लॉयर, सबसे पहले मैं वकील के पास गया। आई मेड माय विल पेपर, मैंने अपना वसीयतनामा बनाया। अकॉर्डिंग टू न्यू विल पेपर, नए वसीयतनामे के अनुसार माई होल वेल्थ विल गो टू दैट पर्सन, टू गो टू विल गो टू दैट वन विथ होम आई विल ब्रीथ इन माई लास्ट। नए वसीयतनामे के अनुसार मेरी सारी धन दौलत संपत्ति उसकी हो जाएगी जिसके साथ मैं आखिरी सांस लूंगा। ओके एंड आई हैव डिसाइडेड टू मैरी विथ मिसेस जॉन सरोक, मैं जॉन सरोक के साथ शादी करने का डिसीजन ले चुका हूँ। टुमोरो आई एम गोइंग टू मैरी विथ हर इन सेंट फिलिप चर्च, कल मैं उसे शादी करने जा रहा हूँ। एंड आई हैड टू टेक दिस ब्यूरो देयर, मुझे वहाँ इस ब्यूरो को ले जाना भी था। एंड यू डिड द राइट थिंग व्हाट यू हैड ब्रॉट एट डाउन स्टेयर, तूने इसको नीचे लाकर बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यू ऑल आर वेलकम देयर टू अटेंड माई मैरिज, आप सब वहाँ सादर स्वागत हो, आपकी आप सब वहाँ आओ, यू ऑल आर वेलकम देयर। ओके यू ऑल आर वेलकम देयर एंड यू वेंट देयर। इन द बाय द लास्ट लाइन ऑफ दिस ड्रामा द ऑथर हैज वांटेड टू टेल दैट व्हाट्स द रीजन ओल्ड एबल मैरीवेदर took such type of critical decision to marry in such age of 65, 65 साल की आयु में कोई बुजुर्ग आदमी शादी करने का डिसीजन क्यों लेता है। यहाँ ऑथर इस बताने की कोशिश करता है कि इस डिसीजन के माध्यम से अपने उन निकम्मे संतानों को वह सबक सिखाने का एक निर्णय लेते हैं, एबल मैरीवेदर ने लेते हैं कि अगर आप मैं आपके ऊपर बोझ अगर हूँ तो मैं कभी बोझ बनना नहीं चाहता हूँ। हियर इज टोल्ड दैट, उसने एबल मैरीवेदर ने बोला आई डोंट वॉन्ट टू बी ए बर्डन ओवर यू, मैं आप लोग के ऊपर कभी बर्डन बनना नहीं चाहता हूँ। सो आई हैव डिसाइड टू रिड्यूस बर्डन फ्रॉम यू, मैंने आपके ऊपर से बर्डन हटाने की कोशिश की है, मैंने डिसीजन लिया है। ओके मैं आई वॉन्ट टू लिव विथ दैट पर्सन, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, हु लव्स मी नॉट फ्रॉम माई वेल्थ, जो मुझसे प्यार करता हो मेरी संपत्ति से नहीं करता हो। इन दिस वे दिस ड्रामा एंड्स, इस तरह से ड्रामे की
अंत होती है एंड इट इज़ ए ह्यूमरस ड्रामा, इट इज़ ए ह्यूमरस ड्रामा एंड द ऑथर इज यूज्ड एरनी एरनी, ऑथर ने व्यंगात्मक वे में एरनी का यूज किया है, जिस बताया है कि डियर डिपार्टेड नाम दिया है, एक मजाक किया है। मजाक इसलिए किया है कि उस व्यक्ति एबल मेरीवेदर से कोई उससे प्रेम नहीं कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था, सबको उसके संपत्ति से ही प्यार थी, जैसे आजकल हमारे समाज में देखा जाता है। जब वही माता पिता बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देते हैं, जब शादी ब्याह हो जाती है तो वही औलाद उस माता पिता को त्याग देता है, छोड़ देता है, दो वक्त की रोटी उन्हें नहीं दे पाता है। यही स्टर्लिंग हॉक्टन ने इस ड्रामे के माध्यम से हमें संदेश दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ गिव योर फीडबैक, अपना फीडबैक दें एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एंड योर फीडबैक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।